हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में जो है केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल जो है उसको कैसे बनाना है, उसके बारे में वीडियो में बता चुका हूँ, हमारे चैनल पर मिल जाएगी आपको। और प्रैक्टिकल कॉपी में क्या लिखना हो तो ये भी बता चुका हूँ। और फिलहाल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल चार्ट में क्या बनाएं, चार्ट पेपर में क्या आपको बनाना है और कौन सी चीज़ें आपको आसान है और इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार, क्योंकि मेरा ये जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है वह 3 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में हो चुका है। अभी जो है कल ही हुआ 7 तारीख को, तो ये चीज़ें मेरा खत्म हो चुका है और मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कौन से और किस प्रकार। जैसे मान लीजिए आप बना लिए एसीटोन ही बना लिए, मान लीजिए एसीटोन में आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये, या क्लोरीन गैस बना लीजिए तो इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आइए, इसके लिए मैंने जैसे देखिए 10 टॉपिक को चूज किया है जो आपको परीक्षा के लिहाज से, यानी कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है उसमें भी इसे, जैसे मान लीजिए सर्पिलिक अम्ल क्या है और उसकी जो क्रिया विधि प्रयोगशाला विधि लिखिए, तो ये चीज़ आपको आ सकता है उसमें भी, और जो है ये यहाँ पे भी प्रैक्टिकल में भी आपका काम दे देगा। तो यहाँ चीज़ें मैं आपको टॉपिक चूज किया हूँ, जैसे अमोनिया बनाने की विधि का चित्र कीजिए, मान इसमें क्या चित्र बनाना है, जैसे हैबर विधि, ऑस्टवाल्ड विधि, जो मान हैबर विधि आप बना लीजिए, अमोनिया उसमें कैसे निर्माण होता है आप विधि पढ़ लीजिए। और विधि में आपको जैसे एग्जाम में पूछेगा कि ये विधि में ये अमोनिया का फार्मूला क्या है, मान लीजिए ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है और जैसे मतलब बच्चे दिखते हैं, यानी कि मान लीजिए वो पढ़ने में ठीक ठाक दिखते हैं तो पहले से ही थोड़ा पता चल जाता है, उसी प्रकार वो भी क्वेश्चन पूछते हैं। और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछते हैं, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे जिससे उनको भी क्या करना है, सरकार की तरफ से होते हैं उनको भी पैसा स्कूल की तरफ से मिल जाता है 10,000-20,000, उसमें वो आपका अपना काम चला लेते हैं, यानी कि खाली फर्जेंटी के लिए वो आपको प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन आपको जो चित्र बनाना जरूरी है, ये नहीं कि आपको जो चार्ट पेपर प्रैक्टिकल फाइल प्रैक्टिकल कॉपी ये चीज़ आपको बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो आपको वही 1,000-1,500 रुपये देना पड़ेगा, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जैसे नाइट्रिक अम्ल का बना लिए, यानी कि HNO3, ये चीज़ आप बना लिए, मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल बना लिए, अभी मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ किस तरह क्वेश्चन बनेगा। तो फिलहाल यहाँ पे देखते जाइए, और फिनाल बना लीजिए, फिनाल का निर्माण कैसे होता है, डाई एथिल ईथर बना लीजिए या एसीटोन या एसीटाल्डिहाइड बना लीजिए, और यानी कि RRCHO CHOH एसीटाल्डिहाइड हो गया, एसीटोन हो गया फ्रेंड्स, एसीटोन और एथिल एमीन हो गया और फार्मिक अम्ल हो गया, ये चीज़ें हैं। इसमें से आपको कोई भी चीज़ बना लीजिए। और फ्रेंड्स, जैसे आप मान लीजिए डाई एथिल ईथर बना लिए, यानी कि फ्रेंड्स C2H5OH CO C2H5, यानी डाई एथिल ईथर बना लिए, तो आपको वह कैसे बना है और किस चीज़ को आपको मिलाने के बाद उसका ताप कितना है, वायुमंडल दाब कितना है, यानी कि जैसे आप समीकरण जब लिखते हैं तो उसमें वायुमंडल दाब होता है, यानी कि ATM होता है, और उसमें कितने ऊर्जा यानी ऊष्मा दी गई है, ये चीज़ें आपको जानकारी देना है, और कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं ये, मतलब आपको जो भी चीज़ बनाना है, मान लीजिए आप डाई एथिल ईथर बना रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा चीज़ है पढ़ के जाइएगा। उसमें से मतलब छोटा ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जो है उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कि जरूरी नहीं कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वही क्वेश्चन पूछेगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए जो आप चार्ट में बनाए रहेंगे, इसलिए चार्ट बनाने का यही फायदा है कि आप जो भी उस तरह आप हमारे चार्ट नहीं बनाएंगे तो आपको जैसे ज़्यादा पैसा भी देना पड़ेगा, और फ्रेंड से जो है आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको एग्जामिनर जैसे गुस्सा करेगा, और इसलिए आपको चार्ट बना लेना चाहिए। चार्ट बनाएंगे तो उसमें से आपको वही क्वेश्चन पूछेगा जो आप बनाए रहेंगे और उसी से रिलेटेड भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, यही से फायदे, और केमिस्ट्री का आपको 10 जो टॉपिक दे दिया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो कमेंट कर रहे थे कि बता दीजिए मुझे कौन कौन से क्वेश्चन बनाओ, तो और ये भी बता रहे थे, पूछ रहे थे कि सर मैं अमोनिया का बना लूँ, मैं सल्फ्यूरिक का बना, तो बार बार रिप्लाई देने से अच्छा है कि वीडियो बना दे रहा हूँ, उसी से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो और मैं जो है आज दोपहर में एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको केमिस्ट्री का जो है वाइवा कैसे लिया जाता है वहाँ पे आपको पूरा जैसे सचित्र वर्णन मिल जाएगा आपको, यानी कि वो जो मेरे स्कूल का रियल वीडियो है, यानी कि वो कैसे एग्जामिनर आया था और क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, यानी कि आने वाली वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप अपना वाइवा अच्छी प्रकार दे सकेंगे, और उसके लिए चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, जिससे जो ही वीडियो अपलोड होते हैं आप देख सकें और आप वाइवा जो है अच्छी प्रकार से देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।